हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शुक्ला एंड लव आराध्या में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बच्चे के स्लीपिंग पैटर्न के बारे में। एक्चुअली पैटर्न नहीं, इसको अगर ये बोले कि आपका बच्चा कितना टाइम तक सोना चाहिए, कितना नींद उसको ज़रूरी है, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, बच्चों के लिए नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उनमें जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उनमें एक चीज़ स्लीप भी है। ऐसा नहीं है कि स्लीप कम हो तो भी चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड बच्चों से मेरा मतलब अप टू 12 ईयर्स 13 ईयर्स, उन सारे बच्चों के बारे में भी है जो कि स्कूल गोइंग है, उनके लिए भी नींद एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उनके बॉडी डेवलपमेंट के लिए, उनके माइंड के ठीक रहने के लिए। क्योंकि अभी बहुत प्रेशर रहता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को भी, तो सभी के लिए नींद, एक प्रॉपर नींद उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड उसके पास एक बेल बटन मिलेगा, उसको भी हिट कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो गाइस, स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग टाइम सबके लिए बहुत अलग अलग होता है। जैसे एक छोटा बच्चा जितना टाइम सोएगा, एक एडल्ट उतना टाइम नहीं सो सकता। तो डिपेंडिंग अपन द एज, जो स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं वो चेंज होता रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे बच्चों की, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, 2-3 मंथ्स के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो अप टू 12 to 18 आवर्स की नींद उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अगर मैं बोल रही हूँ कि एक 12 to 18 आवर्स की नींद एक बच्चे को ज़रूरी है, तो आई एम इंक्लूडिंग द नैप टाइम ऑल्सो। 24 आवर्स में टोटली एक बच्चे को 12 टू 18 आवर्स की नींद ज़रूर होता है एक न्यूबॉर्न बेबी को, उनमें नैप टाइम्स भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि बच्चा शाम को 6 बजे सोया और सुबह को 6 बजे जाके उठा तो ही कंप्लीट 12 आवर्स ऑफ स्लीप। नो, इट्स नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इंक्लूड कर, आप काउंट कीजिए कि टोटल दिन में कितना आपका बच्चा सोता है, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब के टोटली फुल डे में 12 टू 18 आवर्स की नींद एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे बड़े बच्चे की अगर बात करें, क्योंकि स्लीपिंग टाइमिंग जो है वो बहुत कम होता रहता है, जितना आपका बच्चा बड़ा होगा उतना ही उसका स्लीपिंग टाइम भी कम होता रहेगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। नाउ एक इन्फेंट्स की बात करें, 3 to 11 मंथ्स के एज के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात करें, तो दे नीड 14 to 15 आवर्स अ डे स्लीप, अगेन इंक्लूडिंग देयर नैप टाइम्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उससे बड़े बच्चे जो होते हैं टोडलर्स, जो टोडलर्स की हम बात करें, तो उनको एक 12 टू 15 आवर्स की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगेन इंक्लूडिंग द नैप टाइम्स। नाउ एक रिसर्च की माने तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर अब आप एक टाइम पे फुल नींद आपका कवर कर रहे हैं, या उससे बेटर है कि आप दिन में 2 बारी में या 3 बारी में आपका जो नींद है उसको कंप्लीट करें, तो इट विल गिव यू अ मच मोर बेनिफिट्स देन टू स्लीप होल 12 आवर्स एंड होल 10 आवर्स। उससे ज़्यादा अगर आप 2 बारी में अपना नींद कंप्लीट करेंगे तो उससे आप को एनर्जाइज भी फील होगा ज़्यादा, और आपका ब्रेन जो है उसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा एंड वो भी बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगेगा। सो ये टिप्स भी बिल्कुल याद रखना। नाउ बात करते हैं स्कूल गोइंग किड्स की। अगर स्कूल गोइंग किड्स की बात करें तो नाउ अ डे स्कूल गोइंग किड्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्लीपिंग उनका पास सब कुछ करने का टाइम है लेकिन सोने का टाइम नहीं है, ऐसे भी बच्चे हो जाते हैं। लेकिन मैं उनसे बिल्कुल कहूँगी कि अगर आप सो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
एक बच्चा अगर सो रहा है तो मैं उनके पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है और वो अगर नैप टाइम ले रहा है तो उनको प्लीज़ नैप लेने दीजिए, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुल डे या अभी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, देन ट्यूशंस एंड सब कुछ ऑनलाइन में ही हो रहा है, तो ऐसे में उसके बच्चे के आइज़ पे, दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम के अलावा उसको थोड़ा सा सोने का टाइम देंगे तो उसके ब्रेन को भी रेस्ट मिल जाएगा एंड ही और शी आल्सो फील्स वेरी मच ऑफ एनर्जी। तो जब वो फिर से अपना नैप लेके उठेगा देन यू आर आल्सो फीलिंग एनर्जेटिक, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इंस्टेड ऑफ कि आप एक फुल 10 आवर्स का स्लीप रात में ले लें। आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, 8+2 एंड वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, वो आपकी चॉइस है, लेकिन नींद आपको इतने आवर्स ही लेने हैं। इतने आवर्स लेंगे तो हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड सेम गोज फॉर टॉडलर्स इन्फेंट्स एंड न्यूबॉर्न्स, जितना आप बच्चे को सोने का टाइम देंगे उतना ही उनके डेवलप्ड में असर पड़ेगा, उतना ही उनके बिहेवियर में असर पड़ेगा। जो टॉडलर्स जो टेंट्रम थ्रो करते हैं, कभी कभार हो जाता है कि नींद पूरा ना होने की वजह से भी ये टेंट्रम्स आते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बच्चा इतने टाइम का स्लीप बिल्कुल ले रहा है 24 आवर्स में, उसको आप डिवाइड कर दीजिए, दिन में कुछ आवर्स रात में कुछ आवर्स, तो ऐसे वो आपकी मर्जी, आपकी डेली रूटीन के हिसाब से आप कर सकते हैं या आपके बच्चे का डेली रूटीन के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इतने आवर्स इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक बिल्कुल कर देना एंड मेरे को कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। किसी को अगर ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है तो उसके साथ मेरे वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।